सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम कार्तिक महात्या का नवा अध्याय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कार्तिक महात्या का नवा अध्याय। इधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह स्वप्न देखकर उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले दो राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसने शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है, उसमें किसकी विजय होगी, कृपया करके आप मुझे बताइए, आप तो अंतर्यामी हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर की ओर देखा। उस समय दो बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चल दिए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जालंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उसे कुछ होश आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि हे महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोगों को जीत लिया है, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? हे मुनि, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किस प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, शिवजी जी के महात्मो, मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम उसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंदर ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ अलंगिन पद हो गया। वृंदा अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमन करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पति व्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चय ही वे कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो दो राक्षस कपट के बनाए थे वही कलांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम शिला पत्थर हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अंत में अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको ही मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता की भस्म में लौटने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, उधर युद्ध में जलंधर दैत्य ने शिवजी जी को अति बलवान समझकर राक्षी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे को मुख करके बैठ गए। तभी अच्छा अवसर देख जालंधर ने अनेक बाण शिवजी के मारे। इस प्रकार शिव को संकट में ग्रसित देखकर विष्णु भगवान वहां पर आए और शिवजी को राक्षसी माया का ज्ञान करवाया। तब शिवजी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिवजी जी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुभ और निशुभ भी ठहर ना सके और वह युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिवजी जी ने अपना ऋषियों के तप का, पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसके शरीर से निकल श्री शिवजी जी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे।
तब सब देवताओं ने शिवजी जी की स्तुति की और कहा कि महाराज जलंधर को मारकर आपने देवताओं का तो बड़ा उपकार किया है, परंतु एक महान अनर्थ हो रहा है, कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रता धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिवजी जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, तब भी वह सब संकट हरेंगे। तब सब देवता योग माया की शरण में जाकर उसकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप सारे जगत को उत्पन्न करने वाली, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तुम से ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसे प्रकृति देव को हमारा नमस्कार है। तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते हैं। उस देवी को हमारा नमस्कार है जिसके भगतगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण रूप में ही मैं ही हूँ। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन देवियों ने प्रकट होकर तीन बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु है जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से तीन वृक्ष उत्पन्न हुए, रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सत्वगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदी तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष को होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उदापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यम दूत कभी नहीं जाते, इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल, तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य बराबर हैं। चाहे मनुष्य कितना ही पापी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले का फल तथा मंजरी युक्त तुलसी दल से मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है तथा रुद्राक्ष की माला धारण करता है उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महत्व ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का नवा अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो छोटी सी घंटी है ना, उसको तो जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मुझसे जुड़े रहो और आपको नई नई चीजें सुनने को मिले। धन्यवाद।